कम पढ़े तो मैं मेरे बच्चे लोगों को ये पढ़ा कि तुम पढ़ो, पढ़ाई बहुत कुछ है, हम भी तकलीफ पाते हैं लेकिन तुम तकलीफ मत पाओ। सीबीएसई 2022 के रिजल्ट में ऑल इंडिया लेवल पे सेकंड रैंक हासिल की है। आईएएस गौरव बुड़ानिया सर आए थे तो ही हैड सेड कि मैं पुणे गया था, शुरू में मेरी पगार कितनी थी, 25 रुपए से गया था। एक बार आप मेरे पास एक स्पेशल एप्लीकेशन भी लेकर आए थे, वो वाकया भी शेयर करें बच्चों के साथ। मैं भी बच्चों को कहता हूँ कि मार्क्स सब कुछ नहीं होते, पर बहुत कुछ होते हैं। तो मार्क्स की इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ चीजें आप बताएं। वन और टू वीक आई फेल्ट दैट आई शैल लीव द कैंपस, मुझे ये छोड़ के चले जाना चाहिए। हॉस्टल्स का एक मूल मंत्र है, एडजस्ट लाइफ नॉट स्टडी। व्हाट्स द वे ऑफ स्मार्ट स्टडी, कैसे कर सकते हैं? कि शॉर्ट नोट्स खुद के बनाओ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इफ यू आर इन द स्टडी तो आपको टॉप पे रहना है, टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी। नमस्कार, आज की शुरुआत करते हैं एक कागज के टुकड़े से। बहुत खास कागज का टुकड़ा है और मैं बताना चाहूँगा, अक्सर मैं बच्चों को कहता हूँ कि मार्क्स सब कुछ नहीं होते लेकिन बहुत कुछ होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 12th CBSE की मार्कशीट और नाम लिखा हुआ है परमेश्वर तुलसी राम कुमावत और मार्क्स आ रहे हैं 100, 100, 100, 100 and 99। मीन्स 499 बटा 500, मीन्स 500 में से एक नंबर कम। अब इस मार्कशीट को अपन साइड में रखते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ है खास बच्चा परमेश्वर तुलसीराम कुमावत, जो प्रिंस एकेडमी का 12th का स्टूडेंट है और सीबीएसई 2022 के रिजल्ट में ऑल इंडिया लेवल पे सेकेंड रैंक हासिल की है, 99.80 मार्क्स हासिल करके। मार्क्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है इसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन इतने मार्क्स हैं मीन्स बच्चे की एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो एकदम अच्छी तरह से तैयार हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, टिप्स पे हैं। तो आगे बढ़ेंगे, आज हमारे बीच में परमेश्वर तुलसीराम कुमावत है, साथ में तुलसीराम जी हैं, मूलतः कुचामन नागौर के रहने वाले हैं लेकिन परमेश्वर का कहना है कि मैं जन्म के 3 महीने बाद से ही पुणे में रहता हूँ। परमेश्वर 11वीं क्लास में प्रिंस एकेडमी CBSE स्कूल में आया, तो मैं चाहूँगा परमेश्वर ऑल इंडिया लेवल पे सेकंड रैंक आना प्रिंस एकेडमी के लिए, परिवार के लिए, पूरे सीकर और नागौर के लिए, राजस्थान के लिए गर्व का विषय है। इसलिए परमेश्वर और पापा जी तुलसीराम जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो परमेश्वर सबसे पहले तो आप अपने परिवार के बारे में आप खुद ही बताएं। गुड इवनिंग, माय नेम इज़ परमेश्वर कुमावत। हम परिवार में 6 सदस्य हैं, पापा मम्मी, हम 2 भाई और 2 बड़ी बहन हैं। मैं क्लास 12th पास आउट हो चुका हूँ और बड़ा भाई MBBS स्टडी कर रहा है। पापा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है एंड माय मदर इज़ ए हाउसवाइफ। बहुत बढ़िया परमेश्वर, तो सबसे पहले तो परिवार पुणे में रह रहा है, तुलसीराम जी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं, लगभग 30 साल से आप पुणे में रह रहे हैं। तो आपने अपनी पुरानी 10वीं तक की स्टडी कहाँ की और फिर वहाँ से पुणे से सीकर तक आप कैसे पहुँचे? मैंने मेरी क्लास 10th की जो स्टडी है अमृतवाइनी इंटरनेशनल स्कूल संगमनेर नियर पुणे महाराष्ट्र की है। माय ब्रदर हैज़ पास्ड आउट फ्रॉम प्रिंस एकेडमी सीकर, उसने काफ़ी कुछ अच्छा बताया, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, फैकल्टीज वर द बेस्ट, हॉस्टल फैसिलिटी विच वॉज माई बेसिक एम टू स्टडी फॉर इन 11th एंड 12th। आई गॉट द बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज, बेसिकली इट वॉज माई thought process that I shall opt for humanities and I found good scope in Prince Academy Seeker. I had heard about the foundation courses of UPSC and CLAT going on in Prince Academy. That motivated me to get admitted in the Prince Academy Seeker. जैसे आपने कहा कि हॉस्टल में रहना ड्रीम था, पुणे में रहे, पुणे तो बड़ा चमक धमक का शहर है, चमक धमक के शहर से यहाँ बड़े खुले कैंपस में आ गए जहाँ शहर का माहौल नहीं दिखता, तो वहाँ आकर आपको एडजस्टमेंट में समस्याएं आई? बेसिकली जब मैं एडमिट हुआ कोरोना का दौर था, ऑफलाइन जॉइनिंग 26 जनवरी के आसपास हुई, एडमिशन तो 15 अगस्त को हो गया था। एंड जब मैं यहाँ सेटल हुआ, फर्स्ट 1 or 2 वीक आई फेल्ट दैट आई शैल लीव द कैंपस, मुझे ये छोड़ के चले जाना चाहिए, रवानगी कर ले सामान बांध ले।
पापा जी से बात भी की थी कि यहाँ नहीं होगा, सेट रवाना हो जाते, पर जब मैंने आई पर्सनली मेट रमाकांत सर, उन्होंने काफ़ी समझाया, काफ़ी मोटिवेट किया कि एक दो हफ्ते एनवायरनमेंट चेंज होने में टाइम लगेगा, बट आफ्टर दैट यू विल गेट यूज टू द एनवायरनमेंट और काफ़ी अच्छा करोगे। सो इट ऑल सपोर्टेड मी एंड इंस्पायर्ड मी, और फिर दो हफ्ते बाद मैंने काफ़ी कुछ रियलाइज किया, कुछ अपना सा लगने लग गया, अपना सा लगने लग गया बेसिकली, और मुझे ऐसे काफ़ी बढ़िया समय मिलने लग गया पढ़ाई के लिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट दोस्तों के साथ, और बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे मोटिवेशनल सेमिनार्स और कैंपस मैंने बहुत इन्जॉय किया है। ये मोटिवेशनल सेमिनार्स बहुत कैंपसेस में होते हैं, पर यहाँ की एक खास बात ये है कि बेसिक्स को नहीं भूलने देते, ये हमें एक ही चीज़ को रिपीट करवा के अपने माइंड में इतना सेट करवा देते हैं कि आप अगर कोई रॉन्ग डिरेक्शन में जाना भी चाहते हो तो यू रिमेंबर दी थॉट प्रोसेसेस सेड बाय मैनेजमेंट, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता है थ्रू आउट द ईयर, तो बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत, बट एट द एंड यू एंजॉय द प्रोसेस। इफ यू कीप पेशेंस देन थिंग्स विल बी एडजस्टेड विद टाइम। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं तुलसीराम जी की तरफ। तुलसीराम जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां कि आपका बच्चा पूरे देश में 12वीं CBSE, जिसमें कितने लाखों बच्चे बैठे हैं, उनमें ऑल इंडिया सेकंड रैंक पे है। बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सर। बच्चा मेहनत किया, बहुत किया, और मैं भी मेहनत सर किया बहुत जी। मैं पुणे गया था, शुरू में मेरी पगार कितनी थी, 25 रुपए से गया था। 25 रुपए पगार? कौन से साल की बातें हो रही है? ये 92 की बात है सर। बहुत बढ़िया जी। 92 जी जी। हमने भी बहुत कष्ट किया और बच्चे लोग भी कष्ट किया, और यहाँ पे 25 रुपए की पगार से फिर धीरे धीरे चलते चलते आप कॉन्ट्रैक्टर बन गए, लोगों को रोजगार देने लग गए। हाँ जी सर, जैसे बच्चे की लगन है वैसी मेरी लगन की, अपन भी थोड़ा आगे बड़े आगे करे, लोगों को बुलाए अपने पास लोग। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जैसे बच्चे की लगन है वैसे नहीं, जैसे आपकी लगन है, आपका संघर्ष है, उसी को देख के बेटा प्रेरित हुआ कि पापा जी 25 रुपए पर डे की पगार से नौकरी शुरू करने वाले अभिभावक आज के दिन बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं, और बेटा ऑल इंडिया में सेकंड आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर परमेश्वर की तरफ। परमेश्वर, आपने 11वीं क्लास में ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ले लिया। बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विस का टारगेट होता है और वो 12वीं पास करके कोई इंजीनियरिंग मेडिकल करके या डायरेक्टली 12वीं पास करके ह्यूमैनिटीज की सोचते हैं। आपने 11वीं में ह्यूमैनिटीज की सोच ली, ऐसा बहुत कम बच्चे अच्छे परसेंटेज वाले सोचते हैं, अपना ओपिनियन बताएं। मेरी क्लास में बेसिकली कोई भी नहीं है आर्ट्स जिसने चूज किया था, आई वाज द ओनली वन हु हैड ऑप्टेड फॉर आर्ट्स। लाइक एक तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी कि हमें कुछ अलग करके, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, व्हाट ए फैंटास्टिक वर्ड। दोस्तों की क्या स्थिति थी? दोस्तों सारे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ गए हुए सारे, और कुछ कॉमर्स, तो लगा नहीं कि दोस्त दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं और मैं अलग रास्ते पे जा रहा हूँ। लाइक बहुत बार ऐसा थॉट भी आता था, ह्यूमैनिटीज में एडमिशन होने के बाद भी ऐसे थॉट प्रोसेसेस आए कि सारे फ्रेंड्स साइंस स्ट्रीम में जा रहे, व्हाट इफ अपन फेल हो जाते, तो वी विल ऑलवेज गेट इट ऑन दैट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की वजह से तुमने खुद को बर्बाद कर लिया। बट लाइक अंदर से एक ये था कि टेक द रिस्क, जब रिस्क होगा तभी कुछ मिलेगा, इफ देर इज नो रिस्क यू वोंट अचीव एनीथिंग दैट यू डिजायर। सो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और मुझे ऐसा लगा कि NCERT इज द वेरी बेस ऑफ UPSC एग्जाम, तो 11th-12th की NCERT भी प्रिपेयर हो जाएगी, सो आई हैड ऑप्टेड फॉर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। बहुत अच्छा जवाब, NCERT इज द बेस ऑफ UPSC। अक्सर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब UPSC की तैयारी शुरू करते हैं तो एक्सपर्ट्स कोचिंग में पहले दिन कहते हैं कि 6ठी से 12वीं तक की NCERT पढ़िए, और जब 6ठी से 12वीं तक की NCERT ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पढ़नी है तो क्यों नहीं ये समय बचाया जाए और शुरुआत से आगे बढ़ाया जाए। बहुत अच्छा। लेकिन आपने तो परमेश्वर हर सब्जेक्ट में 100/100 इतने मार्क्स लाना भी प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है, तो उस पर आप बताएं। बहुत इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ है कि यू स्कोर 100/100 इन द डोमेन सब्जेक्ट्स। सो लाइक पहले से माय फेवरेट इन क्लास 10th वाज आल्सो सोशल साइंस, तो सोशल साइंस को मैं क्लास 10th में 100/100 अचीव नहीं कर सका था, आई स्कोर 99। थॉट यही था कि इंग्लिश में एक दो नंबर सेम कर लेंगे, पर अगर डोमेन सब्जेक्ट्स में ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 नहीं आए तो एक हर्ट रहेगा, एक दर्द जरूर रहेगा जिंदगी भर के लिए। सो आई एम नाउ हैप्पी कि मैंने अचीव किया है 100/100 इन द डोमेन सब्जेक्ट्स।
और इंग्लिश में एक नंबर छूट गया है, पर कुछ कमी रहनी चाहिए। यस, डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। वेरी गुड, इसी को हम चलते चलते। बहुत बढ़िया, तो अब अपन आते हैं हॉस्टल में। आपकी 100/100 है, तो पढ़ाई की तो रुचि है ही है, उसके अलावा हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है मुझे। क्रिकेट एकेडमी है प्रिंस में, लेकिन उधर तो नहीं दिखते थे आप। मैंने ज्वाइन नहीं की थी, लाइक जब एडमिशन हुआ था तब मैंने इसे डिसाइड किया था कि ज्वाइन कर लेते हैं बेसिकली। फिर जब ऐसे 12th में एडमिट हुआ तो एक ही गोल था कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है, टारगेट ये था, एम ये था। फिर एकेडमी ज्वाइन नहीं करता था, प्ले ग्राउंड पे कुछ नॉर्मल बॉयज खेलते थे उनके साथ, एज ए पैशन खेलता था, नॉट एज ए प्रोफेशन। मुझे प्रोफेशनल नहीं बनना था इसलिए आई डिड नॉट ज्वाइन द क्रिकेट। इवनिंग वॉक आई लव इवनिंग वॉक। कैंपस बहुत बड़ा है, सो इट इज़ द बेस्ट सुटेबल प्लेस फॉर इवनिंग वॉक। एनी मैनेजमेंट मेंबर्स यू मीट, टीचर्स, फैकल्टीज, सपोर्टिंग स्टाफ, सो वाइल यू आर हैविंग अ इवनिंग वॉक यू हैव द कंप्लीट अरेना ऑफ द कैंपस। आई फाइंड लॉट ऑफ ग्रीनरी ओवर हियर विच इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट गुड ऑक्सीजन एज वेल, सो इट इज़ कम्प्लीटली फैसिनेटिंग एनवायरमेंट टू लिव इन प्रिंस एकेडमी होस्ट। बहुत बढ़िया, इवनिंग वॉक करना पसंद है। परमेश्वर आप, मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को, पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? द वेरी बेसिक मैसेज आई वुड लाइक टू गिव हॉस्टल्स से रिगार्डिंग ही है। हॉस्टल्स में मुझे रहना पसंद था इसलिए। हॉस्टल्स का एक मूल मंत्र है, एडजस्ट लाइफ नॉट स्टडी। खुद की लाइफ को एडजस्ट कीजिए और स्टडी को अपना प्रायोरिटी रखिए, तो आप बहुत अच्छा अचीव करोगे। एंड सेकेंड मैसेज यही होगा कि विथ स्टडी इट्स नॉट ओनली दी हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क लगाइए कि एक रीडिंग में हो जाए, दो रीडिंग में हो जाए, टाइम मैनेजमेंट रखिए। एंड एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट विद ब्रेक्स, या जो भी आपको चीज़ एंटरटेन करे वो करिए ज़रूर, क्योंकि जब तक माइंड फ्रेश नहीं होगा आप नॉलेज को कैचअप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है पढ़ के आप एक दो दिन स्टोर कर लो, बट फॉर लॉन्ग रन यू नीड टू फ्रेश अप योर माइंड बिफोर स्टडिंग आवर्स। बहुत बढ़िया, कंटिन्यूटी के बारे में आपने कहा, हार्ड के बजाय स्मार्ट वर्क के बारे में आपने कहा, और बीच बीच में एंटरटेनमेंट के ब्रेक होने चाहिए, इन सब के लिए आपने कहा। व्हाट्स द वे ऑफ स्मार्ट स्टडी, कैसे कर सकते हैं? yes, जी तो पहला यही है कि यहाँ पे एक सेमिनार हुआ था, IAS गौरव बुड़ानिया सर आए थे, तो ही हैड सेड कि आप अपने क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को कुछ टॉपिक्स या कंसेप्ट असाइन कर दो, जब भी आप उनको देखो तो यू रिकॉल द होल थिंग। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने यही की। एंड सेकेंडली स्मार्ट स्टडी का मेरा वे जो था कि आई यूज़ टू फोकस ऑन डिस्कशन। हो सकता है कि पढ़ा हुआ भूल सको, पर जब आप किसी प्रियजन से सुनते हो, अपने फ्रेंड से सुनते हो, वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। और तीसरा स्मार्ट वे यही है कि शॉर्ट नोट्स खुद के बनाओ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बने बनाए हुए नोट्स दे कॉपी फ्रॉम अदर फ्रेंड्स, या हो सकता है टीचर्स से ले ले, बट जब आप खुद बनाओगे तो यू गेट इंडल्ज इन टू दी वर्क कम्प्लीटली, सो वो आपके लिए लंबे समय तक याद रहता है। और अगली चीज़ यही है कि स्टडी करते वक्त लाइक कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे लाइक फोर्सफुली स्टडी करते हैं कि बैठना है, 2 घंटे बैठना है, 3 घंटे बैठना है। तो अगर आपको खुद के मन में नहीं है कि 2 घंटे बैठना है तो मत बैठिए, वो आप समय बिल्कुल ऐसे ही खाली निकाल दोगे। जब आपका मन करे कि 2 घंटे पढ़ूँ तभी पढ़िए। और लाइक टाइम टेबल होना ज़रूरी है स्टडी आवर्स के लिए ज़रूरी, बट जस्ट डोंट डिसाइड द सब्जेक्ट, जब आपका जो मन करे वो पढ़िए तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बहुत बढ़िया, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए मैसेज दिया कि व्हाट इज़ द स्मार्ट स्टडी। आज के दिन ये बहुत चैलेंजिंग काम है, कई बार बच्चा दिन रात मेहनत करता है, मैं अक्सर कहता हूँ आड़ू मेहनत करता है, इसलिए रिजल्ट कम मिल पाता है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं, फिर तुलसीराम जी के पास आते हैं। आज के दिन आप बताइए पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये देखो बच्चे लोग हैं, बच्चे को अच्छा शिक्षा देना चाहिए, शिक्षा अच्छी दें, देना चाहिए संस्कार अच्छा देना चाहिए, कोई ऐसा ज़्यादा गुस्सा विस्सा कुछ नहीं, प्यार से समझाए बच्चे को तो जरूर आपकी बात मानेगा वो। अगर अपन ज़्यादा गुस्सा किया और किया तो नहीं मानेगा वो, फिर ज़्यादा बिगड़ जाएगा बच्चा। बच्चा समझाने की एक अपने की टेक्निकल होनी चाहिए, बच्चा को कैसा चाहिए वो अपना बच्चा अपना अपने को मालूम होना चाहिए कि बच्चा कैसा हैंडल कर सकता है, कैसा कर सकता है वो, अपने को इसका अंदाज लगना चाहिए। और हमारे बच्चे बहुत जिधर गया उधर उन्होंने कभी भी किसका डांट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, हमको यही बताया कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कौन सी क्लास तक पढ़े तुलसीराम जी? मेरे पास सब TC भी नहीं है, लेकिन मेरा माइंडेड की वजह से मेरे को लोग बोलते हैं कि आप बहुत पढ़े लिखे। IQ अच्छी है बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को महसूस होता है कि अपन कम पढ़े तो मेरे बच्चे लोगों को यही पढ़ा कि तुम पढ़ो,
पढ़ाई बहुत कुछ है, आप पढ़ा नहीं तो आगे जाके कुछ नहीं है, हम भी तकलीफ पाते हैं लेकिन तुम तकलीफ मत पाओ, हमारे से जो साथ लगेगा वो हम देंगे आपको, लेकिन पढ़ाई आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। तुलसी राम जी का बड़ा बेटा है वो MBBS कर रहा है, छोटा बच्चा ऑल इंडिया में टॉप कर रहा है, तो नेक्स्ट चीज फिर लगा तो तुलसी राम जी मैं पूछना चाहूंगा, शुरुआत तो आपने छोटी पगार से की, बाद में ठेकेदार बन गए, ठेकेदारों के पास तो पैसा वैसा ठीक होता है, तो बच्चे को थोड़ा खुले हाथ खर्च करने का मौका दिया या लिमिटेड ही मौका दिया? नहीं, ये देखो हमारे बच्चे वो कभी भी हमको नहीं बोला कि हमको इतना चाहिए क्या चाहिए जी, ये बता देते कि ये फीस भरनी है या हमको इसमें कॉपी लाना है, ये करना है क्या करना है, तो हमारे हिसाब से देते। हमारे बच्चे कभी भी नहीं कि हमको 10,000 चाहिए, 5,000, खर्चे की डिमांड कभी नहीं की, उनकी डिमांड नहीं रही है। बहुत बढ़िया। तो परमेश्वर आप UPSC की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप बताएं स्टूडेंट्स को UPSC की तैयारी के लिए कब से शुरुआत करनी चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए? लाइक टुडे इज द मॉडर्न वर्ल्ड, कॉम्पिटिशन का ज़माना है, जब आपको रियलाइज़ हो जाए, जब आपका गोल फिक्स हो जाए, ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड हो जाए, तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, जितना लेट करोगे उतना पीछे होते जाओगे। और लाइक कंसिस्टेंसी इज़ द फैक्टर जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डिसाइड करेगा जो कौन टॉप पे रहेगा, कौन बॉटम पे रहेगा। सो जब आपको लगे कि अब मुझे मेरा टारगेट फिक्स हो चुका है, उसी वक्त से यू शैल स्टार्ट द प्रिपरेशन, जितना लेट करोगे उतना पीछे होते जाओगे। बहुत बढ़िया। तो एक और बातचीत कर लेते हैं, वैसे प्रिंस अकेडमी में आप पढ़े हैं तो कभी टॉपर बच्चों की मुलाकात हुई है, तब अपनी मुलाकात हुई है, एक बार आप मेरे पास एक स्पेशल एप्लीकेशन भी लेकर आए थे, वो वाकया भी शेयर करें बच्चों के साथ। लाइक ये इट वॉज जस्ट द टाइम बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स 12th के, लाइक कहीं से मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया था, या आई वुड से कि मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल अप जो मेरी प्रोसेस में था, ये था कि आई वॉन्टेड टू क्विट द हॉस्टल, मतलब ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। मैं 11th को घर छोड़ के इसी हट से आया था कि मुझे हॉस्टल में रहना है, मम्मी पापा ने बहुत कहा था कि महाराष्ट्र में एडमिशन ले ले, पुणे में, एनी स्कूल एनी कॉलेज यू विश यू कैन टेक द एडमिशन, बट हॉस्टल में रहना था, इसलिए प्रिंस अकेडमी ज्वाइन किया। फिर मैंने चेयरमैन सर से मिला, CMD सर, MD सर, सबसे मिला, सर ने मुझे परमिशन ग्रांट भी कर दी थी, बट इट वॉज ऑल द सपोर्ट ऑफ रमाकांत सर, उन्होंने काफ़ी समझाया और बहुत इंस्पायर करके मुझे अंदर रखा, एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस कि आई हैव स्कोर्ड 99.8। उस टाइम थोड़ा क्विट कर देते तो कुछ ना कुछ थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता, अगर क्विट कर देता तो आई फील लाइक बेसिकली 2-3% तो ड्रॉप हो ही जाते हैं, 5-7 नंबर का भी आते ही ऑल इंडिया रैंक्स का सपना चूर हो जाता है। बहुत अच्छा। मैं बताना चाहूँगा, परमेश्वर सेशन के बीच में एक बार मेरे पास एप्लीकेशन लेके आया कि सर मुझे हॉस्टल से बाहर रहना है, मैंने कारण पूछे लेकिन बच्चे का एकेडमिक्स बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा इसकी इच्छा के अनुसार अपन चल सकते हैं क्योंकि एकेडमिक्स बहुत अच्छा था, लेकिन फिर रमाकांत जी ने आपको समझाया और आज आप मान रहे हैं कि लास्ट के टाइम पर अगर मैं हॉस्टल को छोड़ देता तो मेरे परसेंटेज की जो आज गुणगान हो रहा है मार्क्स का वो नहीं हो पाता। अक्सर लोग कहते हैं मार्कशीट कागज का टुकड़ा होता है, कम नंबर आगे तो कम आगे, ज्यादा आगे तो ज्यादा आगे। मैं भी बच्चों को कहता हूँ कि मार्क्स सब कुछ नहीं होते, पर बहुत कुछ होते हैं, पर बहुत कुछ होते हैं, तो मार्क्स की इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ चीजें आप बताएं। लाइक सबका अरेना ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, सम आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, स्टडीज, बट लाइक बेसिकली यही है कि अपना इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करके आप उस चीज़ में लग गए तो वो ठीक है। इफ़ यू आर इन दी स्टडी तो आपको टॉप पे रहना है, टॉप इज़ ऑलवेज एम्प्टी, आपको ही क्लाइम करना है, एंड यू आर दी ओनली वन टू सेट अप योर अरेना, टू सेट अप योर ऑफिस एट दी टॉप। और एक चीज़, आई नो द इंटरव्यू इज एंडिंग, बट दी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दैट आई लाइक दी मोस्ट अबाउट दी प्रिंस एजू हब, इट इज़ दैट कि आप जब भी मिलना चाहो मैनेजमेंट से, जब भी आप ऊपर के ऑफिशियल से मिलना चाहो, यू आर ऑलवेज अलाउड, दैट इज़ द ओनली थिंग आई लाइक द मोस्ट अबाउट द प्रिंस अकेडमी। ऐसा लगता है आपको? आई रियली प्रेज यू एंड आई रियली एडमायर यू। एक मेरा सपना है कि लाइक पापा जी ने कहा अभी बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ रही है, मेरे मन में मैं हमेशा सोचता हूँ, मैंने आज तक उनको भी नहीं बताया, हाँ फर्स्ट टाइम आई एम रिवीलिंग ऑन द कैमरा, जिस दिन IAS बन जाऊँगा उस दिन इनका काम छोड़ा दूँगा, आई वॉन्ट हिम टू द रेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, जितनी बची कुची लाइफ है आराम से जिए, अच्छा आराम करके से। बहुत अच्छा परमेश्वर, बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जिस दिन आप IAS बन जाएंगे तुलसी राम जी के काम की क्षमता 2-3 गुनी हो जाएगी, और ये प्रकृति की जो मेहनत की ललक आदमी की जो होती है, जो संघर्ष की लगन होती है, वो कभी नहीं छूटती, आपके चयन से इनका जोश, जुनून, जज्बा मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा। तो आज हमने डिस्कशन किया
परमेश्वर तुलसीराम कुमावत के साथ, जिसने 12th CBSE 2022 में ऑल इंडिया लेवल पर 499/500 99.80% मार्क्स हासिल करके ऑल इंडिया लेवल पर सेकंड रैंक हासिल की है। और आज के दिन प्रिंस एकेडमी के लिए, सीकर के लिए, नागौर के लिए, राजस्थान के लिए गौरव बन चुका है। बहुत अच्छी बेहतरीन बातें परमेश्वर ने स्टूडेंट्स के लिए बताई। मैं मानता हूं कि अगर स्टूडेंट्स उनका फॉलो करते हैं तो भविष्य में वो एकेडमिक्स और पर्सनल लाइफ दोनों में बहुत अच्छी बुलंदियों तक पहुंचेंगे। थैंक यू, नमस्कार।